मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का सक्शन ट्यूब के बारे में बताने जा रहे हैं, और ये बताने से पहले एक चीज़ आपको याद करा दूं, प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप के लिए मैंने हर बार बोलता हूँ लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है। वो इतना सस्ता में 29 रुपीज़ में अगर मेंबरशिप मिलता है तो उसमें भी लोग कतराते लेने के लिए, और इस तरह का चैनल नहीं चल सकता है। जैसे कि मैं अपनी साइड से मेहनत करके वीडियो बना के दे रहा हूँ और आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और वो आपका खुद तो नहीं ले रहे, दोस्त लोग भी नहीं बोल रहे, तो इसीलिए ये चैनल अपन कंटिन्यू करने में बड़ा मुश्किल जाता है। और वो आप लोग ये चीज़ सोचिए और मेंबरशिप लेने की कष्ट करें। और सबसे पहले देखिए सक्शन ट्यूब के बारे में बता दूँ। सक्शन ट्यूब का जो हिस्ट्री है, देखो सबसे पहले ज़माने में क्या था, छोटा छोटा रिम फ्रेम था, 400 स्पिंडल, 440 स्पिंडल, 480 स्पिंडल। उसमें क्या होता था, ये सक्शन डॉक्टर जो होता है, ये गियर एंड मशीन का, ये फैन एंड है, इसमें मोटर रहता था, जाली रहता था, वो फैन भी रहता था, और वो इस तरह सक्शन करता था। और सक्शन ट्यूब जो होता है ऐसे ही 8 छेद वाला रहता था, मतलब ट्यूब जैसा, मतलब स्टेनलेस स्टील का या एमएस स्टील का रहता था, वो छेद रहता था, छोटा सा छेद ऐसे ही। ऐसे छेद रहता था, एक ट्यूब का ऊपर ये सारी छेद रहता था, ठीक है। तो उसमें क्या सेक्शन होता था, मतलब धागा जैसे टूट गया अंदर खींच के लेता था। लेकिन ये सेक्शन ट्यूब जो होता है बिल्कुल छोटा रिम फ्रेम के लिए ठीक है। जैसे कि बड़ा बड़ा रिम फ्रेम आने लगा तो जो कॉमन सेक्शन ट्यूब के जगह अपना इंडिविजुअल सेक्शन ट्यूब आ गया, हर स्पिंडल में एक एक सेक्शन ट्यूब लगेगा। और ये जैसे एक साथ 8 छेद वाला एक जगह जॉइंट होता था, ये क्या होता है सेक्शन डक्ट से यहाँ गैस्केट लगा के हर स्पिंडल के लिए एक एक निकलता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सेक्शन स्ट्रांग होता है। इसमें क्या है? जैसे इस जगह जो ट्यूब रहा खींचने के लिए, इधर साइड लेने के लिए बहुत इसको जोर पड़ता था, सेक्शन कम हो जाता था। इसमें डायरेक्ट खींच लेगा तो सेक्शन बढ़ जाता था। जैसे बड़ा रिंग फ्रेम बना तो ये इंडिविजुअल सेक्शन ट्यूब वाला सिस्टम चालू हुआ। और उसके बाद जैसे बहुत बड़ा रिम फ्रेम बड़ा है, जैसे 1632, 1826 और 2400 वाला स्पिंडल का भी आ गया, तो उसमें क्या हो गया, और रिम फ्रेम का स्पीड भी बढ़ गया, मतलब 30,000 तक स्पीड आ गया। तो उस केस में क्या हुआ, हर साइड में एक एक डक्ट रहेगा, और दोनों साइड से सेपरेट मोटर रहेगा, सेपरेट फैन रहेगा, सेपरेट जाली रहेगा, और इंडिविजुअल सेक्शन ट्यूब रहेगा। तो उसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड का अलग अलग सेक्शन रहेगा तो और स्ट्रांग होता है सेक्शन, तो इसलिए इसको डबल साइड सेक्शन ट्यूब सिस्टम बोलते हैं। ये इंडिविजुअल सेक्शन ट्यूब मतलब एक डक्ट से दोनों साइड को आता है। तो ये ऐसे ही डेवलपमेंट हो के चलता है। और इसका यूज क्या है, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लीड्स टू सेक्शन फाइबर फ्लिसेस आफ्टर एंड ब्रेक्स। जैसे धागा चलता है बॉबिन में लपट रहा है तो ठीक है, जैसे धागा फ्रंट रूल से टूट जाता है सेक्शन ट्यूब का अंदर तुरंत जाना चाहिए, और तुरंत नहीं जाएगा तो बॉटम रोल में लैपिंग हो जाएगा, लैपिंग काटने में तकलीफ होता है, फिर लड़के आर्म उठा देंगे तो रिम फ्रेम का एफिशिएंसी डाउन होगा, पंखा वेस्ट बढ़ेगा, सब प्रकार का बीमारी बढ़ता है अगर ये टाइम पे अटेंड नहीं हुआ। तो ये इसका मेन फंक्शन है, एंड ब्रेकेज होगा तो फाइबर सेक्शन ट्यूब का थ्रू, डक्ट का थ्रू फैन के ऊपर चला जाना चाहिए। स्मॉलर द रिम फ्रेम सेक्शन विल बी मोर, जितना छोटा रिम फ्रेम होगा सेक्शन डक्ट का लंबाई कम हो जाएगा, उसी हिसाब से सेक्शन तेज हो जाएगा। बिगर द रिम फ्रेम सेक्शन रिड्यूस्ड, जितना बड़ा रिम फ्रेम होगा सेक्शन होने में तकलीफ होगा, मतलब ऑफ एंड में जहाँ पे पंखा लगा वहाँ तेज सेक्शन रहेगा, जो गियर एंड में उधर सेक्शन कम होगा तो वहाँ पे आपको सेक्शन कम हो जाएगा।
और फॉर लॉन्ग फ्रेम्स बोथ साइड सेक्शन डक्ट्स प्रोवाइडेड, जैसे ये बताया था तीन नंबर वाला जो लॉन्ग फ्रेम होगा तो दोनों साइड पे सेक्शन का डक्ट ही अलग रहेगा और ट्यूब तो अलग ही रहता है, ठीक है। न्यू मॉडल रिंग्स, ओल्ड मॉडल रिंग्स प्रोवाइडेड कॉमन सेक्शन ट्यूब्स, ये जो पहला वाला दिखा ओल्ड मॉडल रिम फ्रेम आता था, जैसे टेक्समार्क का रिम फ्रेम आया, MMC का आया, और जो पुराना पुराना था GTEX का आया, तो वो सब ऐसे ही वाला था। वो सेक्शन ट्यूब क्या होता है, कभी इसको सफाई करनी है ना, पूरा डक्ट बाहर निकालनी पड़ती है, पूरा आठ को आठ, और इसको पाउडर और बटर ब्रश से पूरा घिस घिस के सफाई करना पड़ता है। वो बहुत चांस रहता है इसकी चोकअप होने का, ज़्यादा चोकअप होता था वो, तो वो छोटा छोटा पुराना मशीन में रहता था। न्यू मॉडल रिंग्स प्रोवाइडेड इंडिविजुअल सेक्शन ट्यूब्स, ये जो बताया इंडिविजुअल सेक्शन ट्यूब, हर स्पिंडल के लिए एक एक ट्यूब रहता है, न्यू मॉडल रिम फ्रेम से आया। एक्स्ट्रा लॉन्ग न्यू मॉडल रिंग्स प्रोवाइडेड बोथ साइड डक्ट एंड सेक्शन ट्यूब, ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग जैसे 1632 हो गया, 1826 हो गया, 2400 स्पिंडल हो गया, उसमें दोनों साइड पर डक्ट भी रहेगा और सेक्शन ट्यूब भी रहेगा। और देखो फिर फ्रॉम फैन टू गियर एंड सेक्शन प्रेशर डिक्रीज्ड, फैन साइड से गियर एंड की तरफ जाओगी सेक्शन प्रेशर इधर साइड कम रहेगा, मिडिल में और थोड़ा बढ़ेगा और फैन साइड में बहुत तेज रहेगा। तो ज़्यादातर जामिंग का पोजीशन गियर एंड साइड में रहता है, फैन एंड साइड में नहीं रहता है। गियर एंड साइड मस्ट प्रोवाइडेड नैरो ओपनिंग टू इम्प्रूव सेक्शन। अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बता देता हूँ एक चीज़ देखो, जैसे ये एक रिम फ्रेम है, रिम फ्रेम में समझ लो ये आपकी गियर एंड साइड है, ये हो गया ऑफ एंड, ठीक है, और यहाँ पे जो सक्शन ट्यूब रहेगा आपके, समझ लो ये आपके एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो ये आपकी 19 mm का रहा, ठीक है, ये 19 mm का रहा ऑफ हैंड में, और मिडल में रहेगा जो ये 13 mm का रहा, और गियर हैंड में जो रहेगा बिल्कुल बारीक बारीक, ये समझ लो 6 mm का रहेगा, टेंडेंसी ऐसे रहेगा, मतलब ऑफ हैंड में थोड़ा बड़ा बोर वाला ओपनिंग वाला सेक्शन ट्यूब लगेगा, उसके बाद ग्रेजुअली कम होगा, क्योंकि यहाँ सेक्शन कम हो जाता है तो पतला हो जाएगा ट्यूब, ज़्यादा सेक्शन होगा, और लास्ट में 6 mm वाला रहेगा। एग्जांपल के लिए बोला बता, लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या क्या देता है वो आपको देख के लेना पड़ेगा, ताकि आपकी रिम फ्रेम का वर्किंग सही रहे। तो सेक्शन ट्यूब्स मस्ट क्लीन इन एवरी 6 months बाय डिटर्जेंट वाटर। देखो सर्फ पानी करके सेक्शन ट्यूब हमेशा रिम फ्रेम से निकाल के इसको बटल पतला बटल ब्रश से बढ़िया सफाई करिए सर्फ पानी में, और उसके बाद इसको सादा पानी में एक बार धोइए, फिर धूप पे सुखा दीजिए, 4-6 घंटा धूप पे सुखाने के बाद फिर ला कर फिटिंग करिए। उसमें कटर में जो वैक्स का परसेंटेज रहता है चिपक जाता है अंदर, वैक्स चिपकने के बाद वो गड़बड़ करता है, और सेक्शन ट्यूब का देखो ऊपर जो रहता है ना, जैसे ये प्लास्टिक का रहता है ऊपर, ये जो पोर्शन रहता है ये स्टील का रिंग का रहता है, देखिए ये रिंग कभी कभी हट जाता है, टूट जाता है, और टूट जाने से क्या होता है वो वहाँ पे खरोच जैसा रहता है, वहाँ रुई चिपकता है। तो सेक्शन ट्यूब का जब लाइफ हो जाएगा तो इसको चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो वो सेक्शन बराबर करेगा नहीं। और सेक्शन डक्ट शुड नॉट एनी एयर लीकेज टाइम टू टाइम चेक। जो सेक्शन डक्ट होता है, ये जो डक्ट बताया, ये डक्ट एक डक्ट के अंदर देखो बीच बीच में टीन का सीट रहता है, बीच बीच में इसको मतलब जॉइंट मारा जाता है, जॉइंट में सेलो टेप वगैरह लगाते हैं या एडहेसिव टेप कोई लगाते हैं, तो उस पर क्या होता है एयर लीकेज बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ता है। अगर इसमें बीच बीच में समझ लो यहाँ पे आपकी लीकेज रहा, यहाँ पे एयर लीकेज रहा, यहाँ रहा, तो यहाँ पे हवा क्या होगा बाहर से खींच लेगा, अंदर का सेक्शन कम हो जाएगा, तो उस केस में एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। रिम फ्रेम में जब मेंटेनेंस क्लीनिंग जाता है तो डक्ट वगैरह बीच बीच में चेक करिए, वो बिल्कुल डक्ट
एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। एयर लीकेज होगा तो आपकी सक्शन कम हो जाएगा। सक्शन डक्ट मस्ट क्लीन बाई ए बंच ऑफ फैब्रिक विथ रोप। देखो सक्शन जो डक्ट होता है, अपन बीच बीच में क्या करते हैं, कभी कभी कारीगर आके बोलते हैं कि साहब बहुत अंदर चोक है, मतलब कचरा फंसा हुआ और सक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, रनिंग फिटर बुलाते थे, एक रस्सी उसके पास रहता है, रस्सी हो या पुराना स्पिंडल टेप पे बांध दिया, वो छोटा सा बंच ऑफ कटन, मतलब बंच ऑफ फैब्रिक, खराब फैब्रिक हो या HDPE का बोरा हो, उसमें रस्सी में बांध देगा बीच में, और पंखा साइड में ऐसे ही डाल देगा, पूरा मतलब गियर एंड में घुसा देगा, कवर खुल के डक्ट के अंदर, और वहाँ तक खींच लेगा। वहाँ तक जब खींच लेगा, अंदर जितना भी रुई होगा वो साथ में ही खींच लेगा। तो वहाँ से आप जैसे वहाँ तक पहुँच गया बोरा, फिर इसको ऐसे रस्सी से खींच लाना, उसका अंदर जो भी कचरा फंसा होगा निकल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पुराना मेथड है, लेकिन ये हर जगह ये काम करते हैं और वो बढ़िया सफाई हो जाता है इसमें। इफ सेक्शन ट्यूब नॉट क्लीन्ड मल्टीपल ब्रेक्स इंक्रीज्ड। सेक्शन ट्यूब अगर टाइम टू टाइम सफाई नहीं करेगा, देखो अच्छा कारीगर जो होता है ना, अपनी जेब में एक सलाई रखता है, सेक्शन ट्यूब में ऐसे ऐसे सलाई मार मार के सफाई करता है, और यहाँ पे जैसे रहता है ना, यहाँ छोटा पतला सा झाड़ू का तिल लेता है, ऐसे सफाई करके नोच के ले लेता है, रुई जो फंसा होगा अंदर इसका अंदर वो निकाल लेता है। सेक्शन ट्यूब का जितना सफाई रखेगा कारीगर, उतना वर्किंग बढ़िया रहेगा। लैपिंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो इंक्रीज इफ सेक्शन पुअर। जहाँ पे सेक्शन बहुत कम रहेगा तो वहाँ लैपिंग प्रॉब्लम होता है, बॉटम रोल लैपिंग हो जाता है, ट्यूब का अंदर कटन का फ्लिस नहीं जाके बॉटम रोल में लैपिंग कर जाता है। तो इसीलिए लैपिंग अवॉइड करने के लिए सेक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, सेक्शन ट्यूब सफाई होनी चाहिए, और ये जाली वगैरह कभी कभी फटा हुआ रहता है, वो फटा हुआ रहेगा भी सेक्शन नहीं होगा। और कभी कभी देखो मतलब सेक्शन कम होने के कारण ये भी होता है, जैसे समझ लो ये जो सेक्शन का जो फैन है, फैन साइड, इसको कारीगर क्या होता है मतलब हाथ से सफाई करता है, मतलब हर एक घंटे में एक बार हाथ मार के सफाई कर देगा या डफिंग के टाइम पे सफाई कर देगा। वो आजकल क्या होता है, फैन पूरा कनेक्टेड होता है फिल्टर के साथ, डायरेक्ट सेक्शन होके चला जाता है, वो तो ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया तो कभी जाम होने का चांस नहीं है। और इसमें मैनुअली जहाँ करते हैं, हर डॉप में समझ लो डेढ़ घंटे में डॉप आए, हर डॉप में पूरा सफाई कर दे एक बार, कारीगर को समझा के रखना, तब जाके बराबर सेक्शन होता रहेगा। और रिम फ्रेम एफिशिएंसी फैन वेस्ट परसेंटेज डिपेंड्स ऑन इट। अगर आपके सेक्शन सिस्टम तगड़ा होगा तो आपके रिम फ्रेम का एफिशिएंसी और रिम फ्रेम का एफिशिएंसी और ब्रेकेज वगैरह कम होगा और फैन वेस्ट भी कम बनेगा। तो सेक्शन सिस्टम तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।